हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर्स के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के डायलर में चले जाना है। डायलर में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी 3 डॉट्स की, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड देन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी सेटिंग्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड कॉल्स, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको यहाँ से जो है इसे यहाँ से ऑन कर देना है ऐसे। और दोस्तों, इसकी सेटिंग्स करने के लिए आपको यहाँ पे ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, अगर आप किसी अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सेकंड वाली ऑप्शन कॉल्स विद अनसेव्ड नंबर्स, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, अगर आप किसी स्पेसिफिक नंबर यानी कि अपनी मर्जी से कोई नंबर चूज करके उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे थर्ड वाली ऑप्शन कॉल्स विद स्पेसिफिक नंबर्स, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ से आपको नंबर्स टू ऑटो रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करके नंबर ऐड कर लेना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको कॉल हिस्ट्री में से कोई नंबर ऐड करना है तो आपको यहाँ पे रिसेंट्स पे करके कर लेना है। अगर आप कॉन्टैक्ट्स में से कोई नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में क्लिक करके नंबर ऐड करना चाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप खुद से डायल करके कोई नंबर ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन की ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके आप खुद से डायल करके भी नंबर ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी कॉल्स की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑल कॉल्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है।